Question number one, prove that the bisectors of a pair of vertically opposite angles are in the same straight line. तो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन. वर्टिकली अपोजिट एंगल हम बनाएंगे यहाँ पे, सपोज ये और ये वर्टिकली स्ट्रेट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमको प्रूव करना है. ठीक है, सपोज ये लाइन है ए बी और ये सी डी, ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी तो होगा ही, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब यहाँ पर सपोज ये एंगल है वन, इसका नाम है टू और इसका नेमिंग कर लेते हैं थ्री, आर एन ये फोर हो गया. क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो ये बाइसेक्टर है, दैट मीन्स एंगल वन इक्वल एंगल टू हो जाएगा. इसका भी कुछ नेमिंग कर लेते हैं, पी क्यू नाम रख लेते हैं, तो ओ पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ डी, ए ओ डी को बाइसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर एंगल वन इक्वल टू एंगल टू हो जाएगा. और उसी तरह से ओ क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओ सी, यहाँ पर एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर हो जाएगा. ठीक है, अब ये और ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसका नेमिंग फाइव और सिक्स कर लेते हैं, और एंगल फाइव इक्वल एंगल सिक्स ये तो है ही वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल. अभी सभी एंगल को अगर सम करेंगे तो कंप्लीट एंगल बनेगा. नाउ एंगल वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स इक्वल टू 360 डिग्री बनेगा कंप्लीट एंगल. एंगल टू को हम एंगल वन के इक्वल लिख सकते हैं, एंगल टू इक्वल एंगल वन है, एंगल वन को एंगल वन लिखे, एंगल टू को भी एंगल वन लिख दिया. एंगल फोर को हम एंगल थ्री लिख सकते हैं, क्योंकि एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स सेम है उनको सेम बनाना है हमको, या तो इधर वाले को सेम कर लेंगे या फिर इधर वाले को. तो एंगल थ्री, तो एंगल थ्री रहने दिए, एंगल फोर का आ जाएगा एंगल थ्री, क्योंकि एंगल फोर इक्वल एंगल थ्री प्रूव कर चुके हैं. और यहाँ फाइव है तो सिक्स को फाइव बना देंगे, ये पर एंगल सिक्स इक्वल एंगल फाइव है तो एंगल सिक्स की जगह एंगल फाइव लिखें, तो ये आ गया 360 डिग्री. सभी दो बार हो गया, एंगल वन भी दो बार, थ्री भी दो बार, फाइव भी दो बार, तो टू कॉमन ले लेंगे, कॉमन में आ जाएगा एंगल वन प्लस थ्री प्लस फाइव. अब ये टू इधर आके डिवाइड होगा तो एंगल वन प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फाइव इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई टू. तो वन थ्री और फाइव जो है ना वो पी ओ क्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस पी क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन. एक प्रूफ करना था, प्रूफ दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन. वर्टिकल अपोजिट एंगल को जो बाइसेक्ट कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, स्ट्रेट लाइन के लिए हमको 180 प्रूफ करना पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इफ टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, दो स्ट्रेट लाइन है, सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी और दूसरा स्ट्रेट लाइन है सी डी, इंटरसेक्ट ईच अदर, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं मान लेते हैं ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. प्रूव दैट द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल. अब सपोज ये पर यहाँ पर एक एंगल है और उसको एक रे बाइसेक्ट कर रहा है, सपोज ओ पी, दस फॉर्म बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल. इसके अपोजिट में जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये वाला एंगल है,
इसको भी ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमको प्रूव करना पड़ेगा। सपोज इधर भी ग्रे जा रहा है और ओ क्यू जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, सी ओ क्यू और बी ओ सी इक्वल हो जाएगा, ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे इसको? हाँ तो इसमें गिवन है कि ओपी बाइसेक्ट कर रहा है एओडी को, प्रूव करना है टू प्रूव एंगल सी ओ क्यू, सी ओ क्यू एंगल सी ओ क्यू इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू, ये प्रूव करना है। और गिवन है एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल डी ओ। तो स्टार्ट करते हैं, एंगल ए ओ पी इक्वल टू बी ओ क्यू हो जाएगा, एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से एंगल डी ओ पी, एंगल डी ओ पी इक्वल टू सी ओ क्यू होगा, एंगल सी ओ क्यू होगा, ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये दोनों एंगल इक्वल दिया है, ए ओ पी इक्वल टू डी ओ पी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए ओ पी इक्वल टू डी ओ पी, तो इन दोनों को इक्वल लिखेंगे। सिंस एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल डी ओ पी, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू एंगल सी ओ क्यू। ठीक है, ये प्रूव करना था, ले लेंगे देयरफॉर रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल दस एंगल्स बाइसेक्ट द वर्टिकल ऑफ द एंगल ना, रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स वन ऑफ द एंगल्स बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल।